नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी के काफी कमेंट आ रहे थे MSBU सेकंड ईयर की परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज्यादातर कमेंट यही रहते हैं कि जो द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट है MSBU के, यानी कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी के, उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मैंने इससे पहले भी दो वीडियो क्रिएट कर लिए हैं यानी आपके रिजल्ट को लेकर। लेकिन दोस्तों, जो मैंने संभावनाएं बताई थी आपको, जो हमारे सूत्रों से पता लग रहा था कि जो आपका रिजल्ट है, जैसे कि मैंने वहां पर बताया था कि 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इसमें एक तरह से कहा जाए तो जो यूनिवर्सिटी है उसकी काफी लापरवाही बरत रही है यूनिवर्सिटी अपने रिजल्ट को लेकर। उन्होंने अभी तक एक तरह से, दोस्तों अगर जैसे मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूं, तो यूनिवर्सिटी से भी कोई संतुष्टिपूर्ण वाला एक तरह से जो जवाब है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। वो भी एक तरह से संभावनाएं बताते हैं कि जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो रिजल्ट आपका, जैसे कि जो जनवरी चल रही है, जनवरी के एंड वीक तक जारी हो जाएगा। तो वो भी एंड वीक भी अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो आपका मतलब कि एक तरह से जो रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर कोई भी संतुष्टिपूर्ण वाला एक तरह से जवाब है यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिला है। और आप बार बार कमेंट करते हो कि हमारा रिजल्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों, इससे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो जब भी आपका रिजल्ट जारी होगा तो सबसे पहले आपका जो बीकॉम के छात्र है, यानी बीकॉम सेकंड ईयर के छात्र है, उनका रिजल्ट जारी होगा। उसी के 6 या 7 दिन बाद बीएससी का, और उसी के बाद दोस्तों जो बीए के छात्र है उनका रिजल्ट जारी होगा। तो आप बार बार कमेंट करते हैं कि जो रिजल्ट है, जैसे बीए के छात्र है उनका रिजल्ट कब जारी होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, जब भी आपका रिजल्ट जारी होगा, जैसे बीकॉम का रिजल्ट जारी हो गया आप सभी का, तो उसी के 1 या 2 दिन बाद अगर जैसे बीएससी का रिजल्ट है जारी हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर जो टाइम रहता है वो रिजल्ट जारी होने का, वो आपका 6 से 7 दिन रहता है। इसके बाद आपके रिजल्ट कभी भी जारी नहीं होते, मतलब कि इससे पहले पहले ही आपका रिजल्ट जारी हो जाते हैं। यानी कि आपका जो बीकॉम का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद बीएससी का होगा, और उसके बाद आपके बीए का रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर भी मैं आपको संभावनाएं बता सकता हूं। जैसे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तरह से मैंने पहले क्लियर कर दिया कि कोई भी संतुष्टिपूर्ण वाला एक तरह से जवाब है वो बिल्कुल भी नहीं मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। और देखो, कोई पुख्ता खबर रहती है तभी मैं आपको कंफर्म बताता हूं कि आपका रिजल्ट उस दिन तक जाकर उस समय पर जारी हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है मेरे पास, और आप सभी कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपके पास एक तरह से सही से इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो आप सभी के बार बार कमेंट आते हैं, इसकी वजह से भी वीडियो आप सभी के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि आप एक तरह से विचलित रहते हो अपने रिजल्ट को लेकर। देखो दोस्तों, बात करें राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी में तो रिजल्ट जारी हो चुका है सेकंड ईयर का, लेकिन एक MSBU ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही बरत रही है वो यूनिवर्सिटी वाले ही बरत रहे हैं। अगर वो चाहते तो आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी कर देते। साथ में आप सभी को मालूम होगा, आपकी कॉफिया भी बिल्कुल एक तरह से चेक होकर रेडी है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। और साथ में ऐसा कोई रीजन भी नहीं बता रहे कि हम इस वजह से जो द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे। तो देखिए दोस्तों, मैं तो आपको संभावनाएं बता सकता हूं, जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो शायद जो जनवरी है, ये जनवरी चल रही है, इसके एंड वीक तक जारी हो सकता है। जैसे कि आज 22-23 तारीख है, के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। और देखिए दोस्तों, मुझे कोई कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर कन्फर्म पता होता है तो मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले ही मैं आपको बता देता। तो आई होप दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको MSBU से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है, या कोई अपडेट आता है, या कोई नोटिस जारी होता है ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यही इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देखो आगे भी आप सभी से जुड़े रहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम जुड़ जाना, अगर कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले मैं वहीं पर डालता हूं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।